So you're doing a great job, buddy. Thank you very much. सच में यार, मतलब secondly मैं ये भी बोलूंगा कि you know people talk about कर रहे थे कि भैया system design कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये वो, but I feel कि मेरा EPAM में जैसा वो structure था ना, कि मतलब पूरा पहले पूरा MBC star life में देखो, overall design बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना, उतनी तो शायद घर का ढांचा तैयार है तो पेंटिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मेजर है स्ट्रक्चर। वो कंफर्ट जोन में कि नहीं यार इसमें आता है ये वो, तो उस टाइम पे सोचना चाहिए कि SDET बनना बहुत बेकार है, बिकॉज वो भी मतलब मैं एक टोटली डिफरेंट थिंग एक चीजें मैं सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, तो इन सब के चक्करों में ना पड़े। तो आपका DS और एल्गो स्किल्स करेक्ट। एक एक है SQL। हाय ऑल, कैसे हो सारे? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कपिल शर्मा, करंटली वर्किंग एज SD2 इन टाइड बैंकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम मेरे एक बहुत ही प्यारे फ्रेंड और मेरे जूनियर से बात करने वाले हैं। ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी एंड नाउ ही इज इन ओरेकल एज अ एप्लीकेशन डेवलपर। सो लेट्स नो मोर अबाउट हिज जर्नी फ्रॉम हिज ओन माउथ। सो शुभदीप, कैन यू टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ? Sure. Thank you, Kapil. First of all, for inviting me. It feels great, and I feel really honored that. And in fact, I also wanted to help you. The vision which you are carrying with this YouTube channel, like to help each and everyone out there, and to motivate each and everyone. That's the main thing. So you're doing a great job, buddy. Thank you very much. So, मेरा जर्नी हिंदी में ही रखता हूँ मैं। हिंदी में रखता हूँ, इंग्लिश में तो चलो सारे बोल देते हैं। तो या सो मेरा जर्नी शुरू हुआ था लाइक 2016 में, जब मैं इंजीनियरिंग करने गया। सो आई वाज प्रीटी क्लियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि क्या इंजीनियरिंग करना है और क्यों करना है बेसिकली। तो उस टाइम पे लाइक कंप्यूटर साइंस एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी था, और ऐसा था कि अगर कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तब करना है, नहीं मिल रहा है नहीं करना है। मतलब okay. चाहे बैठे रहेंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला कॉलेज के दिनों से। मतलब आई हैड अ गुड टच, लाइक क्या बोलूं, एक अच्छा खासा बॉन्ड हो गया था जावा के साथ। मतलब ये बहुत 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 क्लीशे लगेगा, बट हाँ, एक अच्छा खासा बॉन्ड हो गया था जावा के साथ, इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो एवरीथिंग वाज फाइन। तो 4 साल तो मतलब कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। वही मतलब कॉलेज में आपको पता ही होता है कि वही कॉम्पिटिटिव कोडिंग, या फिर कोई मतलब बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें में, कोई AI ML कर रहा है, कोई डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ भी। तो उस टाइम पे एक्चुअली क्लियर, मतलब हमें लाइक मेरे केस में मैं ये बोलूंगा, इंडस्ट्री में आने के बाद एक्चुअली बहुत कुछ जानने को मिला कि इतना कुछ भी होता है। पहले तो इतना पता भी नहीं था। इट वॉज लाइक यार आपको शायद कोई प्रोडक्ट बनाने देंगे, वो कोड करने देंगे, कोई फीचर आप वो कोड करोगे, यही पता होता था। और मतलब यहाँ पे एक और बात आती है कि 90% ऑफ द पीपल हुआ देयर जो सोचते हैं कि यार यू नो लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स कोडिंग करने में ही यू नो लाइक आपको मिल जाएंगे सब कुछ, दैट इज डेफिनेटली तो दैट इज डेफिनेटली मतलब अगर आपको आती है दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो एक मतलब डेवलपर को चाहिए होता है। मैं इसका डिफरेंस अभी तो हम उतने आगे आए नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। ये डिफरेंस मुझे एक्चुअली अब पता लगता है कि पहले क्वेश्चन पूछता था कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स क्यों चाहिए, अभी एक्चुअली समझ में आता है कि क्यों चाहिए। द रीजन इज, अभी अगर सपोज करो आप Amazon या कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पे ऐसा होता है कि कहीं कभार जो प्रोडक्ट्स में आप काम कर रहे होते हो वो खुद के फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं, जो खुद के मतलब उन्होंने किसी चीज पे बना हुआ होता है, जैसे उनका बेस C++ होता है या जावा होता है या कुछ भी। अब पॉइंट ये है कि अगर 5 साल बाद आप कहीं स्विच कर रहे हो, तो वो बिजनेस नॉलेज आपका ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट डोमेन में जो नॉलेज है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका जो वो फ्रेमवर्क का नॉलेज वो तो दूसरे कंपनी को मतलब कोई काम में नहीं आएगा, राइट? कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। तो उस टाइम पे दूसरे कंपनी को एक अच्छा खासा बेस चाहिए ये चेक करने के लिए कि अच्छा मुझे क्या मतलब इस बंदे को मैं क्या पूछूं, या बंदे या बंदी को मैं क्या पूछूं कि मतलब कि मुझे पता लगेगा कि इसका लॉजिकल स्किल अच्छा है, या फिर मतलब इसका थिंकिंग एबिलिटी कैसा है, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग वे ऑफ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम, ये सब क्लियर है कि नहीं। तो इन सब के लिए आई थिंक कि मतलब जो मैं मतलब ये कहना चाहूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कभी मत छोड़ना, बेसिक्स तो सबको आने चाहिए, एक लॉजिकल थॉट और थिंकिंग चलना चाहिए बस। तो उसके बाद मतलब ये हुआ कि 2020 में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, देन मैं इंटर्नशिप मैंने किया। कपिल हम आई गेस वहीं पे मिले थे हम, तो इंटर्नशिप तो वही, तो मतलब एक नया जर्नी शुरू हुआ, तो दैट वाज अ ग्रेट टाइम एक्चुअली। मतलब इंटर्नशिप पे तो चलो, मतलब अगर सच बात बता आपने
भी स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, इंटर्नशिप में तो चलो इतना स्टाइपेंड भी नहीं मिलता, लेकिन मतलब वो टाइम अभी ऐसा लगता है ना, एट प्रेजेंट ऐसा लगता है कि वो टाइम बहुत अच्छा था। मतलब उस टाइम पे मतलब हमने कभी क्रिब नहीं किया कि यार मतलब काम तो करे, और उस टाइम पे और ज्यादा डेडिकेशन से काम करते थे। कॉलेज वाला पैसे ऐसा फील होता था हम कॉलेज में और पैसे मिल रहे हैं। भाई तो इंटर्नशिप ऐसे हुआ, तो वहां पे जावा बैकएंड डेवलपमेंट में पूरा इंटर्नशिप किया, स्प्रिंग बूट मतलब स्प्रिंग बूट और फिर क्या बोलते हैं SQL वगैरह यूज करके, और बहुत सा एकदम पूरा बेस से डिजाइन किया था। मतलब यू नो इट वाज नॉट लाइक कि डायरेक्ट जाके स्प्रिंग बूट सीख लिए, इट वाज लाइक पहले जाके पूरा MVC आर्किटेक्चर समझा, उसके बाद थोड़े 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 करके स्प्रिंग समझा, उसके बाद हम स्प्रिंग बूट पे गए, फिर हमने एक एप्लीकेशन बनाया प्रॉपर एप्लीकेशन। हां एग्जैक्टली, ट्रेनिंग पीरियड बहुत अच्छा था उस टाइम पे। हां मतलब ट्रेनिंग पीरियड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट। आज मतलब जितना भी आता है ना, मतलब वो इंटर्नशिप में जितना सीखने को मिला उतना शायद ही सीखने को मिलता है। मेजर कंट्रीब्यूशन EPAM का रहा है मेरे करियर में भी। मैं बोलूंगा अगर मैं अभी जहां पे भी हूं एज अ जावा डेवलपर, EPAM प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया विद इन फर्स्ट 3 मंथ, सो या एंड स्पेशल थैंक यू बनता है सेकंड। हां सच में यार, मतलब सेकंडली मैं ये भी बोलूंगा कि you know people talk about system design, I see many of my friends, अभी मैं Oracle में जैसे पोस्ट मैंने दिया तो बहुत लोग रीच आउट कर रहे थे कि भैया सिस्टम डिजाइन कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये वो। बट आई फील कि मतलब मेरे केस में मैं अगर सच बताऊं तो सिस्टम डिजाइन ऐसे वगैरह कभी पढ़ा नहीं है, मतलब ऐसे कभी कोई वीडियोस देख के वगैरह। EPAM में जैसा वो स्ट्रक्चर था ना कि मतलब पूरा पहले पूरा MVC समझो, पहले MVC भी नहीं, आई वाज अभी मुझे याद आया, पहले सर्वलेट से MVC, MVC से स्प्रिंग बूट। सो आपको बेसिकली पूरा अंडरलाइंग आर्किटेक्चर पता चलता है कि कैसे काम करता है चीजें, एंड दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको पता लग गया कि अंडरलाइंग आर्किटेक्चर कैसा है तो सिस्टम डिजाइन आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं लगता, फिर वहां पे तुम समझ जाते हो ना कि कैसे स्ट्रक्चर बेसिकली क्रिएट करना है वहां पे, अगर वो ही समझ होनी चाहिए सिस्टम डिजाइन के लिए। एग्जैक्टली तो मतलब सिस्टम मतलब वही कि सिस्टम डिजाइन आपका, और हमने एक अच्छा खासा ई-कॉमर्स एप्लीकेशन भी बनाया था, तो उस ई-कॉमर्स एप्लीकेशन का फायदा ये हुआ कि e-commerce के बारे में जैसे Amazon, Flipkart पूरा कैटेगरी सब कैटेगरी पूरा कैसे प्रोडक्ट लिस्ट होता है ये सब आइडिया आई फील इज की मोर इम्पोर्टेंट वाइल डिजाइनिंग डिजाइन सॉल्यूशन डेवलपमेंट। बहुत लोग कॉलेज में कॉलेज के बाद यू नो लाइक डायरेक्ट सोचते हैं कि नहीं कोडिंग कोडिंग कोडिंग, आपके अगर डेली 8 आवर लाइफ में देखो ओवरऑल डिजाइन बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना उतनी तो शायद कोड करने में भी नहीं लगती। कोड इज लाइक तुम एक ऐसे कर सकते हो, अगर तुमने सिस्टम डिजाइन तैयार है बेसिकली तुम्हारा घर का ढांचा तैयार है तो पेंटिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मेजर है स्ट्रक्चर बनाना और उसको डिजाइन दिखाना, उस नक्शे का अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। सो या ऐसे था इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप के बाद 2020 जुलाई में मैंने हिताची ज्वाइन किया। हिताची में इट वॉज अ टोटली यू नो न्यू वर्ल्ड। मैंने मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं यार चीजें एक्सप्लोर करता हूँ एक्सप्लोर करने में, बिकॉज ऐसा मतलब आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, ऐसा कभी नहीं होता कि यू नो एक जगह पे एक चीज आता है तो वहीं पे यू नो टिके रहना है कि वो कंफर्ट जोन में कि नहीं यार इसमें आता है ये वो। तो उस टाइम पे और ये एज में आई फील कि रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मतलब मैं अपने हिताची के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि यू नो देर आर मेनी पीपल आउट देर हु विल से कि यार नहीं सिर्फ डेवलपमेंट में जाओ डेवलपमेंट, और मैसिव इंडस्ट्री में मैं आपको बता रहा हूँ इंडस्ट्री में डेवलपर और टेस्टर ये दोनों कभी साथ साथ नहीं आते। आप कभी भी पूछो हाँ दुश्मन होते हैं और काइंड ऑफ नहीं मतलब मुझे ये चीज बहुत बुरा लगता है कि यू नो लाइक एक टेस्टर को हमेशा मतलब एक डाउनग्रेड करके देखा जाता है कि नहीं यार टेस्टिंग नहीं करनी सबको डेवलपर ही बनना है, बट सब ये भूल जाते हैं कि वो डेवलपर का कोड आगे ही नहीं जाएगा अगर वो टेस्टर अच्छे से टेस्ट करके वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। और मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है कि यू नो लाइक आगे मतलब लोग ये सोचते हैं कि टेस्टर अच्छा नहीं है, पहली बात तो अच्छा बुरा कुछ नहीं है। करेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डेवलपर भी आता है टेस्टर भी आता है ये सब कुछ मिला के एक साइकिल। और पता है तुमको आजकल एक मिथ चला है कि जो टेस्टिंग है वो मे बी मैनुअल टेस्टिंग हो, बट जो आजकल टेस्टिंग है वो प्रॉपर ऑटोमेशन टेस्टिंग है जिसमें मे बी कोड करना पड़ता है और प्रॉपर कोड करना पड़ता है। एग्जाम्पल जावा ले लो, सिलेनियम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तुम, प्रॉपर जावा का एक एक कोड लिखते हो बिट बाय बिट। सो देयर इज नॉट मच ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट और टेस्टिंग, बोथ आर लाइक ऑन द सेम पेज। और तुम कह सकते हो कि इवन राइट नाउ ना, पहले हम सोचते थे कि सैलरी में भी चेंज हो सकती है, आजकल लाइक एनी कंपनी यू पिक देयर सैलरी ऑल्सो गेटिंग सेम ओनली अप्रॉक्सीमेटली सेम। सो आई डोंट थिंक कि कहीं सोचना चाहिए कि SDET बनना बहुत बेकार है, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं तुम कोडिंग ही कर रहे हो।
नहीं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव फ्रेंड्स जो मतलब मैं सच बता रहा हूँ प्रोडक्ट कंपनीज में अगर आप आओगे डेवलपर टेस्टर इतना कोई मतलब सैलरी का फर्क होता ही नहीं है पहली बात तो ये कुछ भी नहीं होता इट इज लाइक डेवलपर कभी कभार देखोगे डेवलपर से ज्यादा टेस्टर को ही मिल रहे होते हैं मतलब ऐसा माय फ्रेंड्स आर देयर हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो मतलब ऐसा ये एक बड़ा गंदा नोशन है जो इनिशियली और यू नो ये कॉलेज से ही आता है kind of. वहाँ पे हमें टेस्टिंग का लाइक वो कहते हैं ना एक्सपोजर ही नहीं मिला वहाँ हमें एक्सपोजर मिला है डेवलपमेंट का कि तुम कोड करो लिखो तो भी तुम्हें मजा आएगा वो चीज है एग्जैक्टली So, इस वे में like, जैसे मतलब मैंने उस टाइम पे एक मतलब वही कुछ और एक्सप्लोर करना था तो आई केम इनटू लाइक दिस कंसल्टिंग वर्ल्ड सो हिताची में आई जॉइंड एज अ कंसल्टेंट सो कंसल्टेंट क्या होता है ये मैं अगर मतलब ब्रीफ में बताऊं तो कंसल्टेंट इज समवन जो डायरेक्टली बिजनेस के साथ लाइक रिलेटेड हो एज अ डेवलपर इट इज लाइक आपको शायद जीरा में टास्क मिलता है हम बैक एंड पे होते हैं ज्यादा हाँ आप कंप्लीट करते हो वो कंप्लीट करके आप आगे देते हो तो फिर वो, मतलब मल्टीपल स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग वगैरह होता है ऐसे जाके फिर वो प्रोडक्ट बनता है करेक्ट कंसल्टिंग में इट इज अ बिट डिफरेंट वहां पे इट इज लाइक व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग सर्विस टू अ कंपनी तो वहां पे ऐसा होता है कि क्लाइंट के साथ आप डायरेक्ट रिलेशन में मतलब डायरेक्ट टॉक्स में होते हो करेक्ट एंड क्लाइंट मतलब इट इज नॉट लाइक कि कोई बड़ा बंदा या बिजनेस बंदा उनका कोई टेक्निकल पर्सन जो आपको समझाए कि क्या इश्यू हो रहा है और आप वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के उनको एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दोगे दैट इज ऑल अबाउट टेक्नो फंक्शनल कंसल्टिंग एंड मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये एक बहुत लार्ज स्केल में सॉल्यूशन दोगे होता है एज अ लाइक टेक्निकल कंसल्टेंट इट इज लाइक आपको टेक्निकल कोई सॉल्यूशन देना होता है या फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारा ये काम नहीं कर रहा है तो आप ये मतलब ये फीचर हमें देखो कि ये हमारे पास पहले से था ये हम ठीक करके दे रहे हैं या फिर ये फीचर हमारे पास नहीं है आप खुद बना के दो करेक्ट तो वो तो दैट इज लाइक वी नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली तो ये होता है पूरा कंसल्टिंग वर्ल्ड तो अब मुझे एक सवाल यहाँ से मतलब थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ गई तुम हिताची से ओरेकल की तरफ शिफ्ट कैसे किए बिकॉज आई थिंक ओरेकल में तुम एज अ डेवलपर हो और हिताची में कंसल्टेंट थे तो वो स्विचिंग कितना डिफिकल्ट रहा बिकॉज टुडे नाउडेज लाइक लोगों को यही लगता है कि सर्विस बेस से शिफ्ट होना ही प्रोडक्ट बेस में डिफिकल्टी है और तुम्हारी तो प्रोफाइल भी थोड़ा चेंज है तो हाउ इट वुड बी नहीं आई थिंक द मेन थिंग इज कि यू नो मतलब तुम्हारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए पहली बात तो मतलब मैं मतलब अगर कोई मुझे कहेगा ना कि मतलब यार मतलब ओरेकल में घुसा कोई प्रिपेयर किया दिन रात कोड किया ऐसा कुछ नहीं था टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं एक टोटली डिफरेंट थिंग चीजें एक्सप्लोर कर रहा था एंड यू नो आई बिलीव कि जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आता है अगर मेरा मैं पूरा अपना कोशिश करता हूँ कि उसको ग्रैब करने की एंड जस्ट टू गो विद द फ्लो बिकॉज यू डोंट नो वेयर लाइफ टेक्स यू डाउन द लाइन तो अभी ऐसा हुआ कि ओरेकल में मतलब मेरा मैं ऐसे ही नॉर्मली एक दिन रात को बैठा था 11:30-12 बज रहे थे तो उस टाइम पे एक एचआर का मेल आया तो कि ऐसा मतलब जस्ट लेट अस नो कि आप इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो कि नहीं एंड उस टाइम पे और पहली बात तो ये मेरा कोई स्विच करने का प्लान नहीं था ये तो सबसे बड़ा मतलब चीज है कि मतलब स्विच करने का ऐसा कोई प्लान नहीं था तो उन्होंने मतलब मैंने जैसे ही रैंडमली आप रात को मेल स्क्रॉल करते हो मैंने देखा तो मेरे को उनका प्रोफाइल वगैरह जो वो ढूंढ रहे थे मेरे को अच्छा लगा क्योंकि एसएपी वगैरह बहुत दिन से कर चुका था एंड काइंड ऑफ मतलब यहाँ पे कंसल्टिंग और ओरेकल में क्या सिमिलैरिटी है ये मैं आपको बताऊंगा मतलब दो यहाँ पे एज अ डेवलपर मतलब मैं आया तो क्या हुआ तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि अच्छा चलो मतलब कॉल आ गया चलो बैठ जाते हैं क्या हो गया ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट हो जाएंगे क्या हो गया तो उस टाइम पे मतलब मैं मतलब ये डिसीजन ऐसा ही था कि ऐसा कोई फुल प्लान डिसीजन नहीं था कि मतलब कि नहीं नहीं ये किया पहले लीड कोड किया या फिर पहले ये प्रिपेयर किया उसके बाद स्विच किया तो मेरा जर्नी ऐसा नहीं था सेकेंडली अगर आप पूछोगे कि मतलब आपको वो ओरेकल का जो आपका एचआर का कॉल आया वो कैसे आया तो दैट वॉज लाइक कि एक मतलब मेरा प्रोफाइल्स था मतलब लिंक्डइन में तो सब रहती है तो लिंक्डइन में प्रोफाइल है फिर मेरा naukri.com में प्रोफाइल है naukri.com इज लाइक आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स बहुत से लोग पसंद नहीं करते बट आई थिंक naukri.com इज वन ऑफ द लाइक बेस्ट प्लेटफॉर्म्स बिकॉज नॉर्मली मतलब अभी भी आज अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ ना naukri.com यू गेट कॉल्स फ्रॉम गुड प्रोडक्ट कंपनीज इफ यूर लाइक प्रोफाइल्स आर गुड एंड प्रोडक्ट कंपनीज में आई मीन Amazon, Microsoft लाइक और व्हाटएवर यू नेम द टॉप नॉच कंपनीज तो इन सबका कॉल्स आता है मतलब नौकरी सो
लाइक लिंक्डइन इज यू नो लिंक्डइन इज समथिंग जो बहुत ऐसे फैला हुआ है लाइक एवरीवन इज लाइक आजकल सोशल मीडिया है जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है सोशल मीडिया एंड लाइक्स के पीछे भागते हैं सब आई गेस तो फॉलोअर्स के पीछे हां एंड अरे मैंने मतलब मैं अगर खुद बताऊं मतलब मैं चौक जाता हूं मतलब क्या कुछ नहीं आ रहा होता है मतलब पूरा फेसबुक का एक रेप्लिका बन चुका है मतलब कुछ भी आ रहा होता है वहां पे तो लिंक्डइन मतलब इतना फैल गया है कि रिक्रूटर्स मतलब नौकरीज इज सच अ प्लेटफॉर्म वहां पे आप जॉब के लिए ही जाओगे वहां पे ना तो आपको पोस्ट मिलता है ना कुछ लेकिन हाँ लेकिन ये भी है कि मतलब वहां पे स्कैम्स भी बहुत होते हैं लोग आपको फोन करते हैं रैंडम लोग आपको बोलते हैं कि नहीं आप यहाँ पे करा देंगे ऐसा कुछ नहीं होता पहली बात तो ये तो मैं सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा तो इन सब के चक्करों में ना पड़े ओके सो इट लुक्स गुड सो एक छोटी सी चीज और बताओ आप कि जो तुम्हारा ओरेकल का इंटरव्यू प्रोसेस था थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि वो कैसा था मतलब क्या क्या राउंड्स थे इज इट लाइक नॉर्मली दो कोडिंग राउंड और एचआरडी एलएलडी और या थोड़ा डिफरेंट था मतलब काइंड ऑफ सेम था टोटल फोर राउंड्स थे फोर राउंड्स में पहले तीन राउंड्स में मतलब बहुत रिगोरसली उन्होंने मतलब दो चीजें चेक किए एक तो आपका डीएस और एल्गो स्किल्स करेक्ट एक है एसक्यूएल स्किल्स और इसके साथ ऐड हो जाता है आपका लॉजिकल थिंकिंग लाइक एबिलिटी तो ये मतलब ये कंबाइंड ये तीन चीज करके ये पहला तीन राउंड्स गए थे लास्ट राउंड था सिस्टम डिजाइन बिहेवियरल मतलब सब कुछ ही था ओरेकल में ऐसा सीन नहीं है कि यू नो लाइक यू कम टू दिस कंपनी तो आपका कोई अलग से एचआर राउंड ये वो तो मेरे केस में हुआ नहीं मेरे मतलब जान पहचान में भी जितने लोग ओरेकल में अभी आए हैं तो ओरेकल इज लाइक टोटली इंजीनियरिंग बेस्ड तो यहाँ पे यू नो लाइक ऐसा नहीं होता कि एचआर राउंड एचआर आपका अलग से लेगा तो यहाँ का टीम में ही कोई सीनियर मैनेजर या कोई सीनियर डायरेक्टर आपका इंटरव्यू ले रहा होता तो ये तो हो गया आपके लाइक जर्नी बहुत अच्छी थी सो ये थोड़ा इंस्पिरेशनल भी है बिकॉज आपने डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करी पहले डेवलपमेंट ट्राई करी फिर कंसल्टिंग में घुस गए फिर अब डेवलपमेंट में वापस आ गए तो आपको एक्चुअली एक्सपोजर मिल गया कि कैसा होता है आईटी इंडस्ट्री तो जो अभी न्यू जूनियर्स आने वाले हैं या जो अभी कॉलेज में हैं उनको कुछ टिप्स दोगे कि मतलब बिकॉज ना एक चीज है दौड़ लगी पड़ी है प्रोडक्ट बेस में जाएंगे तो जिंदगी सुधरेगी वरना तो कुछ जिंदगी ही नहीं है अब वो बताओ नहीं आई थिंक कि ये बहुत गंदा नोशन है कि मतलब नो डाउट्स प्रोडक्ट बेस में जाना चाहिए सबको एम करना चाहिए इफ यू एम टू गो टू द मून देन ओनली यू विल रीच टू द स्टार्स दैट्स वेरी ट्रू एम करना चाहिए बट मैं ये बोलूंगा कि कभी भी ना किसी चीज को मतलब ऐसे छोटे तरीके से नहीं देखना चाहिए कि यू नो अमेज़न या गूगल नहीं हुआ तो इसका मतलब लाइफ पूरा एकदम मतलब नीचे चला गया एंड ऐसा कुछ हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है यू गो टू एनी सर्विस बेस्ड कंपनी आउट देयर दीज आर ऑल बिग नेम्स मतलब अगर सच बताए टीसीएस का पूरा साल का जो रेवेन्यू आता है ना इन कंपनीज किसी का मतलब वहां पे आसपास भी नहीं जाने वाला है इनका एम्प्लॉय अकाउंट जितना है इनका 10% होता है प्रोडक्ट एग्जैक्टली तो मतलब काइंड ये है कि हर जगह सीखने के लिए बहुत कुछ है इट इज लाइक यू नीड टू एक्सप्लोर पहली बात तो लाइक फोमो में नहीं आना फोमो में लोग आ जाते हैं बहुत यूजुअली कि यू नो लाइक प्रोडक्ट में नहीं हम नहीं है तो हमारा क्या होगा अपना दोस्त तो वो महीने का इतना पैसे कमा रहे मेन बात पैसे की आती है बाकी तो कुछ नहीं आता है मेन बात पैसे की आती है और ये फील आ जाता है कि यार अपना दोस्त वो बंदा अमेजोन में इतना पैसा कमा रहा है अपन को देखो तो ये दूसरी चीज आई फील कहीं ना लिंक्डइन बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है आजकल ये चीज बिकॉज पीपल इवन पीपल आर गेटिंग नो डाउट पीपल आर गेटिंग ऑफर्स टुडे बट इवन इफ दे आर शोकेसिंग इन सच अ वे कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो और इफ यू आर नॉट गेटिंग दोस थिंग्स तो एक वो कहते हैं ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जनरेट होना वहीं से शुरू होता है kind of very true and मतलब ये मैं देखता हूँ कि you know like मतलब मैं normally juniors से बात करता रहता हूँ अपने college में भी बहुत लोगों के साथ touch में हूँ तो मतलब कुछ लोग figure out जब कर रहे होते हैं ना मतलब एक college में दो type के आपको लोग मिलेंगे एक तो जो पहले से ही figure out करके बैठे हुए होते हैं ठीक है vision clear है उनका हाँ फर्स्ट ईयर से ही कोड करना चालू कर दिया एकदम मतलब थर्ड ईयर तक तो अलग ही लेवल आप सोचो ना दो साल कॉम्पिटेटिव कोडिंग वगैरह डीएसएल को कर रहे हैं तो किस लेवल पे पहुंचे होंगे तो मतलब उनका अलग सीन होता है जो नया जो स्टार्ट कर रहे हैं बाद में मतलब वो उनको देख के डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार मतलब इनको इतना आता है हमें क्यों नहीं आता तो बेसिक लाइन ये है कि मतलब चाहे कोई भी प्रोडक्ट कंपनी हो
देखो पहली बात, इंटरव्यू आपका पहली बात तो आप पे डिपेंड जरूर करता है, इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है. इंटरव्यूअर को अगर इंटरव्यूअर अच्छा है, he'll try to make the best, you know, he'll try to make the best use of that time. और आपसे सब कुछ मतलब आपका जो नॉलेज, आपका जो थिंकिंग एबिलिटीज है, वो सब कुछ एक पेपर में या कहीं भी लाके रख ले, जिसे उस पता लग जाए कि आपके कैपेबिलिटीज कितने हैं. जबकि मतलब कुछ इंटरव्यूअर्स ऐसे नहीं होते, दे वर लाइक कि दे थिंक कि अच्छा अपन ने स्टार्ट ऐसा किया था तो सो इनका उनसे बेहतर होना चाहिए. सो इट टोटली डिपेंड्स, बट मतलब मैं ये बोलूं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली इंटरव्यूज पे. हम कहते जरूर हैं कि मेहनत बहुत कुछ है, पर ये लक नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं है साथ में. एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो मतलब इंटरव्यूज वगैरह क्लियर करना, आप प्रिपेयर करो अच्छे से, ताकि इंटरव्यू के बाद आप अगर रिजेक्ट भी हो गए, आप अपने आप को बोल सकते हो कि यार मैंने प्रिपेयर किया था, अब ये उस टाइम पे मेरे से नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगा. फिर से ट्राई करेंगे. तो मतलब क्योंकि मतलब ये रिजेक्शन का फीलिंग यू नो लाइक इस टाइम से ज्यादा मतलब कैंपस प्लेसमेंट में होता है. वहां पे आप सोचो ना, अपने कॉलेज में 2-3 हजार लोग बैठते थे एक प्लेसमेंट में. करेक्ट. वहां पे कहां पता होता था कि यार कंपनी में सिलेक्ट होंगे भी नहीं होंगे. Correct. पहले राउंड के बाद 1500 बच्चे बाकी हो गए, मतलब बच गए, फिर उसके बाद से मतलब ऐसे करते करते हार्डली 10 बच्चे ले जाती होगी कंपनी. और जो बड़ी जैसे हम अगर प्रोडक्ट बेस्ड फैंग की बात करें, वो तो एक या दो बच्चे लेके जाती है यार. तो मतलब 3000 में से दो बच्चे गए हैं, लाइक 2800 पीपल या 30 अराउंड ऑफ सो मेनी पीपल, वो कहां जाएंगे यार. सर्विस बेस है, कंसल्टेंट कंपनीज है, दे आर रनिंग ड्यू टू अस ओनली ना. तो exactly. वो चीज फोमो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं रिमूव होना चाहिए. और जो ये पट्टी बनी है ना, प्रोडक्ट बेस बहुत कुछ है. आई एम नॉट डिनाइंग कि पे बहुत अच्छा करते हैं, बट टुडे देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर पेइंग मोर देन दिस. पट्टी उतार के तो देखो. नहीं नहीं, ऑब्वियसली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. लाइक इट्स लाइक आपको स्किल पे फोकस करो. Correct. मतलब कोई ना कोई अच्छी कंपनी मतलब आपको मिली जाएगी. और वही चीज मैंने आपको बताया ना कि आपका बेस स्ट्रांग हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, थिंकिंग एबिलिटी आप प्रॉपर मतलब आप सोच पा रहे हो कि प्रॉब्लम ऐसे एक्सप्लोर करना है, देन आई थिंक बहुत इजी हो जाएगा आपका जर्नी आगे जाके. सो आई थिंक आज का ये जो सेशन था बहुत फ्रूटफुल रहा है. सो थैंक यू शुभदीप, तुमने इतने अच्छे अपने इंसाइट्स दिए हैं इंडस्ट्री के बारे में, और जो हमारे आने वाले जूनियर्स हैं और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी तुमने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. थैंक यू वेरी मच कपिल, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी. मतलब ओके, सो दिस वॉज द सेशन विद शुभदीप. आई होप तुमको इसमें से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. एंड वी गेव सो मेनी ऑफ मैसेजेस हेयर एंड हेयर, और फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें भी शुभदीप ने बोली हैं. सो विद दिस नॉट, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. अगर कुछ मज़ा आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तुम कमेंट भी कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा पार्ट लगा हो, ठीक है. और उसके बाद एक छोटा सा काम, लाइक का बटन है, लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, और शेयर का बटन है, शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ. उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होगी, और मैं ऐसी न्यू वीडियोस के साथ आगे जल्दी मिलूंगा आपको. टिल देन, टाटा, बाय बाय, सायोनारा.